वाज शॉकिंग क्रिकेट, मतलब कहीं ना कहीं वो इनके लिए पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप के दरवाजे बंद हो गए, जो हमारे साथ पिछले साल में हुआ था। क्योंकि अब टेक्निकली तो आप ये कह सकते हैं कि अगर इंडिया साउथ अफ्रीका को हरा दे और पाकिस्तान भी साउथ अफ्रीका को हरा दे, तो चूंकि साउथ अफ्रीका का वो एक मैच भूल गया था तो ये पाकिस्तान चला जाएगा। बट जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है, ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीतने वाली टीम नहीं लग रही। एक विक्रांत, एक सेकंड, विक्रांत गुप्ता दोस्तों, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर का ट्वीट है, पाकिस्तान वर्क लाइक गवाची गांव दिस गेम, एब्सोल्युटली क्लूलेस। एक बार फिर से समझाइए इसका मतलब। उसका मतलब वही है, गवाची गांव, जो मतलब कभी कभी हम गाय को देखते हैं ना, मतलब सड़क पे, जिसे पता नहीं होता कि आगे जाऊं पीछे जाऊं लेफ्ट राइट, एंड बस पाकिस्तान वही क्रिकेट खेला है। 131 रन, मैं मानता हूं कभी कभी टेस्टिंग हो जाता है, आज विकेट भी बड़ा फायरी था, बाय द वे इसी विकेट पे हमने संडे साउथ अफ्रीका को खेलना है, पर पाकिस्तान इतने डिपेंडेंट है दो ही प्लेयरों पे, आप दो ही प्लेयरों के साथ थोड़ी दुनिया जीत रहे हैं। अच्छा, अब मजे की बात देखिए, दो वो प्लेयर बाबर और रिजवान, जिन्होंने पिछले एक साल में आग लगाई हुई है T20s पे, लेकिन जरूरत के वक्त रन नहीं है। और क्रिकेट कितनी फनी चीज है, अभी मैं आपकी आपकी बातचीत सुन रहा था नितिन से, अब विराट की बात कर रहे थे, इस वर्ल्ड कप में डिबेट तो यही था ना, वर्ल्ड कप से पहले, वर्ल्ड कप के आगाज में, कि विराट वर्सेस बाबर, क्योंकि बाबर पास के मौका था। वर्ल्ड कप जैसा इवेंट ही होता है जहां पर आप अपनी अथॉरिटी स्टैम्प करते हैं। दो मैच हो गए, 10 रन नहीं है उनके, और विराट के 144-145 रन हो गए आउट एक बार। बिल्कुल बिल्कुल,